आपके पास y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू जीरो गिवन है विद y एट जीरो इक्वल टू जीरो एंड y एट वन इक्वल टू जीरो। तो ये बेसिकली रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगेन रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू का सेट एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, और जो आइगन वैल्यू का सेट है वो डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। और nth आइगन वैल्यू पिक करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन होगा वाई एन एक्स लेमडा एन के करस्पॉन्डिंग वो आपके पास n माइनस वन जीरोज रखेगा इन ओपन इंटरवल 0 to 1। ये इन्फॉर्मेशन है। और डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस e लेमडा n ये हमेशा वन डायमेंशन होगा। तो ये मेन इन्फॉर्मेशन है रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए, बाकी सारी प्रॉपर्टी इन्हीं से कैलकुलेट होती है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ क्या गिवन है, देयर एग्जिस्ट आइगन वैल्यू लेमडा फॉर विच करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन डज नॉट चेंज इट्स साइन। तो अगर मैं लेमडा वन के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन रखूँगा तो वो इस इंटरवल में कोई भी जीरो नहीं रखेगा, और अगर फंक्शन पूरे इंटरवल में जीरो नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है, वो अपना साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो लेमडा वन के करस्पॉन्डिंग डिफाइन हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि देर एग्जिस्ट आइगन फंक्शन अगेंस्ट देर एग्जिस्ट आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू लैम्डा फॉर विच करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन चेंज इट्स साइन। तो अगर मैं लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री कुछ भी पिक करूँगा उसके रिस्पेक्ट में जो आइगन फंक्शन आएंगे वो हमेशा साइन चेंज करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट एक जीरो रखेंगे। और सी और डी कह रहा है कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा आइगन फंक्शन और हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगेन लैम्डा वन के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो या तो थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगा या थ्रू आउट नेगेटिव रहेगा। अगर वाई एक्स एक आइगन फंक्शन ले लेंगे जो थ्रू आउट पॉजिटिव है तो माइनस वाई एक्स जो होगा वो भी आइगन फंक्शन होगा, वो थ्रू आउट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन लैम्डा वन के रिस्पेक्ट में टू है, सेकेंड ऑप्शन लैम्डा टू लैम्डा थ्री इनके रिस्पेक्ट में टू है। तो आंसर शुड बी ए बी सी डी। दूसरा मेथड आप प्रॉपर सॉल्व कर लो, सॉल्व कर